नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा ऐलान करती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने पर फिर से ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि चुनावों से दूर नहीं भागेगी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, और धारा 370 और 35A को वापस लाने के लिए भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। शेरे कश्मीर को पुण्यतिथि पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रद्धांजलि दी है। एक बार फिर से देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा जो है वो किस तरह से सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनावों से दूर भागने के लिए पूरी तरह से यहां पर कटाक्ष कर दिया है कि इस बार वो विधानसभा चुनावों से दूर नहीं भागेगी, मुकम्मल तरीके से चुनावों में भाग लेगी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनावों से दूर नहीं भागने के लिए भी यहां पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। धारा 370 और 35A को लेकर भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ पीडीपी पार्टी पूरी तरह से कड़ा रुख इख्तियार करती हुई नजर आई थी, लेकिन आज आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि विधानसभा चुनावों में भाग लेगी और जल्द ही धारा 370 और 35A की बहाली के लिए भी यहां पर काम जो है वो किया जाएगा। शेर ए कश्मीर को पुण्यतिथि पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है, और श्रद्धांजलि देने के बाद ही इस तरह सी बातें यहां पर कहते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजर आए हैं। साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर पहुंचे हुए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और भी जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज बड़ा बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा चुनावों से इस बार वो भागने वाले नहीं है। धारा 370 और 35A को लेकर भी कड़ा रुख इख्तियार कर दिया गया है। हिलाल हंजूरी हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। हिलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से आज यहां समारोह में भाग लिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, श्रद्धांजलि पेश की है, लेकिन उसके साथ ही साथ धारा 370 और 35A को लेकर कड़ा रुख भी इख्तियार कर दिया है। बिल्कुल, ये उनका स्टैंड, अभी ये स्टांस उनका नजर आ रहा है, जिसमें न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि उनने पीएजीडी का भी कहीं ना कहीं इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई दरार नहीं है, कोई डाइसेक्शन नहीं है, तो किसी तरह की तकसीमकारी नहीं है। इस तरह से पीएजीडी का हवाला देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वह अपने वादे को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, तो इलेक्शन से पहले स्टेटहुड दर्जा जम्मू कश्मीर को बहाल होना चाहिए, और साथ ही साथ इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तैयारी का भी उन्होंने न सिर्फ इंदिया दिया बल्कि अल ऐलान उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इससे पहले भी हमने देखा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले दोनों जमातें यहां पर इलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन फिर जब इस तरह का मूव हुआ तो उसके बाद कश्मीर की सूरतहाल दीगरगुं हो गई है। लेकिन इसके अलावा आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जो 370 की बहाली है उस पर उनकी पोजिशन वाजिया है कि वो उस पर कोई बैकट्रैक नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है हिलाल कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कुर्सी तक पहुंचने के लिए उस दौड़ में इस तरह से पैंच यहां पर लड़ाना पड़ेगा? देखिए, जो भी कोई पॉलिटिशियन होता है वो कुर्सी उसका हदफ होता है, उसका टारगेट होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो। आज के डेट में जो भी हम जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हैं तो ये कुर्सी का ही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही है या अपोजिशन कर रही है, और अपोजिशन या सियासी जमातें इसी चीज के लिए आए हुए होते हैं। तो ये हर किसी को समझ लेना चाहिए कि कुर्सी ही आखिर इनका हदफ होता है, इनका टारगेट होता है, और जिसको कुर्सी नहीं मिलती है तो उसी को हार कहते हैं। लेकिन हिलाल, पिछले दिनों की बात अगर थोड़ा सा याद करें आप, जब दिल्ली के अंदर ये लोग पहुंचे थे, जहां महबूबा मुफ्ती साफ कहती हुई नजर आ रही थी, घर से ही वो बात करती हुई नजर आ रही थी, जम्मू से कश्मीर से वो बात करती हुई नजर आ रही थी कि धारा 370 और 35A को लेकर ही वो बात करेंगी, कड़ा रुख इख्तियार कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जब पूछा गया है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा आज वो केंद्र सरकार के साथ यहां पर मिलने आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने आए हैं, जो बातचीत होगी वहीं पर होगी। देखिए, 370 चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या पीएजीडी की जितनी भी अकाया हो, उन्हें इस बात का इल्म है और वो पब्लिकली भी ये कहते हैं कि दो ही चीजें हैं या दो ही इदारे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की बहाली कर सकते हैं। एक मरकजी सरकार, जिस पे उनको कोई भरोसा नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है, लेकिन दूसरा जो अदलिया है, और अदलिया पर वह अपना भरोसा जताए हुए हैं, और उनका मानना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जेर गौर है और वहां से जो डिसीजन आता है वो जम्मू कश्मीर के फेवर में होगा, ये इनका यकीन है। लेकिन दूसरी जानब गवर्नमेंट तब तक कैसे
सुरथाल को सुलझाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो मिजरी जमी है उनको कैसे उन मिजरी से निकाला उस सरकार के साथ हैं, और जो सियासी बसरी है इसे एक अच्छे उनका है कि कुल मिलाकर हिलाल ये कहा जा सकता है कि एक एक करके अब सारी पार्टियां एक होती हुई दिख रही हैं। सीपीआईएम की बात करें, पीडीपी की बात करें, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आती हुई नजर आ रही है। गुपकार की बात कर रहे हैं, डीडीसी चुनाव भी एक साथ लड़े गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी सबने देखा, आम जनता ने भी देखा। अब बात आ गई है विधानसभा चुनावों की, क्या लगता है कि आम जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और किसी की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि पीएचडी ने इससे पहले जो चुनाव लड़े थे डीडीसी इलेक्शंस में, तो सबसे बड़ी जमात के तौर पर पीएचडी ही यहाँ पर निकलकर सामने आई है, और उसमें हमने देखा कि वादी कश्मीर के अंदर तो बिल्कुल स्वीप किया, न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उन्हें सीटें हासिल हुई थी। तो अगर इन चीजों को जो एक इलेक्शन प्रोसेस चला है, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज चला है, अगर इससे वर्गलाने के साथ मंसूब किया जाता है तो मुझे लगता है कि कोई अप्रोप्रिएट लक्ष्य नहीं है। और जब बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी पीएचडी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मतभेद शुरू हो गया था वो भी आम जनता ने देखा था, और आम जनताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी कि जो विश्वास उन लोगों ने पीएचडी पर जताया है वो उस पर खरा उतरते हुए नजर नहीं आए हैं, और आज एक बार फिर से यहाँ पर राग अलग जो है वो अलापने की कोशिश की गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। आशा कोई डीडीसी चुनाव चुने और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 करें, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जमहूरियत के साथ या उन वादों के साथ, उन दावों के साथ मजाक हो सकता है, क्योंकि जो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 है ये सिर्फ दो ही इदारों को पर्टेन करता है, एक मुल्क की पार्लियामेंट को और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट होता है, और इससे एक डीडीसी चुनाव लड़कर इसकी रेस्टोरेशन नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो पार्टीज हैं उन्होंने इस पे कंसेंसस बनाने की कोशिश की है, और यही उन्होंने कहा कि अगर आप इस वक्त पीएचडी को वोट डालते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप उस काज को सपोर्ट करते हैं जो 370 की बहाली चाहता है, और बहाली कहां से होगी, वो मुल्क की सरकार या तो कर सकती है यानी पार्लियामेंट या राज्यसभा, या फिर अदलिया ही कर सकता है, और एक आवाज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो पीएचडी की अकाया है वो कामयाब भी हो गई है। लेकिन कामयाब होती हुई दिखी नहीं थी हिलाल, वो आम लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं देखी गई थी जब मतभेद शुरू हो गया, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक तरफ खड़े होते हुए दिखे, महबूबा मुफ्ती एक तरफ खड़ी होती हुई नजर आई थी, लेकिन खैर आज फिर से विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयानबाजी की है, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आने वाले समय में पीएचडी मिलकर चुनाव लड़ेगी, धारा 370 को लेकर एकजुट होती हुई नजर आ रही है, या फिर आम लोगों के विकास के लिए एकजुट होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पीएचडी एक बार फिर से यहां पर एकजुट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जब डीडीसी चुनाव यहां पर लड़े गए थे उस वक्त भी पीएचडी एकजुट होकर बिल्कुल फ्रंट फुट पर देखी गई थी, लेकिन महज कुछ ही समय के बाद जब यहां जीत हासिल होती है उसके बाद मतभेद पर मतभेद भी देखे गए थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयानबाजी यहां पर की है कि धारा 370 और 35A की बहाली के लिए भी काम किया जाएगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब जिस तरह से कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है, किस तरह से एकजुट होकर पीएचडी काम करेगी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, यह देखने वाली बात होगी और बड़ा सवाल भी होगा। आगे बढ़ जाएंगे राजौरी, अब आपको लिए चलते हैं क्योंकि राजौरी से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस को पूरी तरह से सफलता हाथ मिलती हुई नजर आ रही है। केरल में पकड़े गए राजौरी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस यहां पूछताछ कर रही है, और राजौरी के 18 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से गैर लाइसेंसी हथियार मिले हैं, और केरल पुलिस का एक दल यहां जल्द राजौरी का दौरा कर सकता है। आरोपियों की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्तियां की गई थी, जिसके बाद अब आप देखिए किस तरह से खुलासे पर खुलासे जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में पकड़े गए राजौरी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है कि आखिर किन हालातों में ये काम यहां पर किया गया, लाइसेंसी हथियार कैसे यहां पर पहुंचे हैं, और किस तरह से ये पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। केरल पुलिस का भी एक दल राजौरी के अंदर बहुत जल्दी पहुंच सकता है, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कल जिस तरह से इतनी बड़ी खेप यहां बरामद होती है, राशि यहां पर बरामद होती है, तो कहीं ना कहीं राजौरी पुलिस को एक एक करके सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजौरी पुलिस और साथ ही साथ पंजाब पुलिस ने भी मिलकर यह काम किया था जिसमें करोड़ों रुपए की राशि जो है वो बरामद हुई है, लेकिन आज यहां बड़ी
अपडेट देखने को मिल रही है कि केरल में पकड़े गए राजौरी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस पूछताछ कर रही है। 18 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से गैर लाइसेंसी हथियार बरामद हुए हैं। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या कोई खुलासे हुए? सितंबर से ही शुरू हुए, क्योंकि 5 सितंबर को ही इससे पहले ये मामला सामने आया था जब राजौरी के रहने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, और उसके बाद आज फिर दोबारा 13 लोगों को और हिरासत में लिया गया है जो प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करते हैं केरला में। इनके पास गैर लाइसेंस जो है बेदौर लाइसेंस हथियार मिले हैं, और जो लाइसेंस इनके पास मिले हैं ये कहा जा रहा है कि लाइसेंस सारे फेक लाइसेंस है जिनके बिना पर इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पहले इससे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था फेक लाइसेंस के साथ, और इनको भी अब 13 लोग और गिरफ्तार किए गए जिनके फेक गन लाइसेंस बताए जा रहे हैं। उनसे लगभग 19 के करीब 12 बोल्ट के राइफलें भी बरामद कर ली गई और 100 के करीब राउंड भी इनसे मिले। ये सभी के सभी लोग जो है राजौरी कंडी इलाके दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं, और ये प्राइवेट सिक्योरिटी में केरला में काम करते थे। जो मैक्सिमम लोग जो थे इनमें सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। हालांकि अगर राजौरी के इन लोगों की बात करें तो बड़ी संख्या में राजौरी के लोग बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, क्योंकि फेक गन लाइसेंस का मामला इससे पहले भी राजौरी में उठा, और अब इस मामले के बाद और खुलासे हो सकते हैं कि क्या ये वही फेक गन लाइसेंस हैं जो राजौरी में जिनका मामला पहले से चला है। जमशेद, जरा ये बताइए कि जब इस पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है, क्या लगता है कि किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो फेक गन लाइसेंस का मामला है उसमें कई बड़े चेहरे भी सामने आए थे? जी, बिल्कुल, अगर फेक गन लाइसेंस की बात करें कई बड़े चेहरों के नाम जरूर सामने आ रहे हैं, मगर इनके मामले में अभी तक ये सामने नहीं आया कि क्या इनको फेक गन लाइसेंस इशू हुए हुए हैं या इन्होंने खुद कहीं से बनाए हुए हैं। अगर तो खुद कहीं से बनाए गए हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा गैंग होगा जो पुलिस इसके लिए काम करेगी, क्योंकि केरला पुलिस भी अब राजौरी पुलिस के रास्ते में जरूर होगी, क्योंकि इनकी इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। क्या लगता है जमशेद, कब तक केरल पुलिस यहाँ पहुंच सकती है? जी गुरु जी, जल्द ही केरल पुलिस राजौरी पहुंच सकती है, क्योंकि ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। जिस तरह मैंने बताया, पहले सिर्फ 5 लोग सामने आए थे, उसके बाद 13, दोबारा 18 हो चुके हैं, क्योंकि राजौरी के बहुत सारी संख्या में लोग जो है, चाहे केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, और खास करके इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की होती है जो गन लाइसेंस के साथ जाते हैं। ये भी मामला जो सामने आया, इसके बाद केरल पुलिस जरूर जल्द से जल्द राजौरी पहुंचेगी, क्योंकि इस मामले को भी पूरी तरह निपटाना है कि क्या ये कोई गैंग है जो फेक गन लाइसेंस इशू कर रहा है या इन लोगों को लाइसेंस इशू हुए हैं जो पहले मामला राजौरी में चल रहा है। और जमशेद, जिस तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से इन लोगों की भर्तियां हुई थी, क्या लगता है कि अब इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज पर भी नकेल कसना बहुत जरूरी रहेगा कि आप लोग किस तरह से भर्तियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर ये देखें, ये जो एजेंसियां होती हैं ये सिर्फ इन लोगों के से लाइसेंस का मांग करती हैं, और लाइसेंस के साथ और इनसे कोई चीज मांगी नहीं जाती, और लाइसेंस के बिना पर इन लोगों को वहां नौकरी दे दी जाती है। उसी मामले में अगर लाइसेंस की बात जहां तक करें, क्योंकि अगर ये प्राइवेट मामलों, जिस तरह मैं बात कह रहा हूं कि अगर ये गन लाइसेंस राजौरी से इशू हुए हैं या राजौरी के या किसी और डिस्ट्रिक्ट से इशू हुए हैं, उनकी इंक्वायरी होगी, क्योंकि राजौरी में फेक गन लाइसेंस का मामला पहले ही बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें कई जगह राजौरी में पहले छापामारी भी हुई, इंक्वायरी चल रही है। अगर ये उनमें ही आते हैं तो फिर ये मामला जरूर आगे बढ़ेगा। और दूसरी ही बात ये है कि अगर ये गन लाइसेंस किसी गैंग की तरफ से इशू किए जा रहे हैं उन लोगों को जो बाहर काम करने जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि फेक गन लाइसेंस का मामला ये लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर बड़े खुलासे होते हैं तो जाहिर तरीके से सवालिया निशान यहां पर बनते हुए जरूर दिखेंगे कि आखिर ये लाइसेंस किस तरह से यहां इशू हो गए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं। सांबा में भी आपको दिखा देते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए यहां किसान देखे जा रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन में जम्मू सूबे में भी यहां प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सांबा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने यहां हुंकार भरी है और किसानों के प्रति सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिए गए हैं, और फसलों की लागत भी पूरी ना होने का किसानों ने यहां दावा किया है। और मुकम्मल तरीके से आप देखिए पूरे देश के अंदर किसान किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी यहां पर करनाल में किस तरह से
प्रदर्शन जो है वो किया गया था, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब जम्मू के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय किसान संघ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही अब आप ये भी समझिए कि किस तरह से किसान आंदोलन एक एक करके यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादातर लोग इसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि आज सांबा में भी जो भारतीय किसान संघ के सदस्य हैं उन्होंने आज किसानों के समर्थन में यहां पर प्रदर्शन किया और भारत सरकार को यह संदेश दिया है कि आप लोग किसानों के साथ इस तरह से आप नहीं देख सकते, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार जो उनको लागत लगानी पड़ती है खेती बाड़ी के लिए, वो लागत के अलावा उनको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। यानी लागत के ऊपर जो उनको एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए, जो उनकी इनकम होनी चाहिए, आय का साधन बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मात्र 3 से 4 फसलें ऐसी हैं जिसको लेकर किसानों को थोड़ा फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन इससे इसके अलावा कई ऐसी फसलें हैं जो कि मंडियों में लाई जाती हैं लेकिन उसका उक्त जो बेनिफिट है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा। और उन्होंने किसान संघ के सदस्यों ने यह भी कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं किसान आने वाले दिनों में पूरी तरह से बेरोजगार हो जाए, वो सड़कों पर आ जाए और आगे ही उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मंडियों में जाकर उसको जो पर्टिकुलर जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पा रहा, उसी को लेकर ये आज हुंकार जो पूरे देश भर में भरी गई है भारतीय संघ के किसानों की तरफ से। और आपको बता दें कि लगभग 550 जिले हैं पूरे देश के, यहां पर आज ये प्रदर्शन किया गया है जिला स्तर पर जाकर, और डीसी सांबा को भी एक मेमोरेंडम जो है वो इन्होंने सौंपा है और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो लागत है किसान की, लागत के ऊपर जो उसका उक्त मोल है वो उनको मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बाकी खिलाड़ियों के साथ या ऐसे गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं देश के जिनके साथ डायरेक्ट संवाद करते हैं, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ भी उनका डायरेक्ट संवाद होना चाहिए। मन की बात प्रोग्राम जरूर वो करते हैं लेकिन डायरेक्ट 1-to-1 कर अगर वो संवाद करेंगे तो वो किसानों की जो दिक्कत है उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से उसको सुन पाएंगे। उसी को लेकर यह कहा गया कि किसानों की तरफ ज्यादा से ज्यादा देखा जाए क्योंकि किसान अन्नदाता है और अगर वो किसान अन्नदाता हमारा इस तरह से सबको बुलाएगा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के किसान की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर आप देखिए किसान किस तरह से लामबंद हुए हैं। कल भी किसानों की जब महापंचायत हो रही थी उस वक्त भी किस तरह से वो उग्र होते हुए नजर आए और पूरी तरह से सचिवालय का घेराव करते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर किसान परेशानी के दौर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है तो सरकार को इनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि कोई आश्वासन इनकी तरफ से दिया जा सकता है आने वाले समय में? देखिए बिल्कुल, आपको पता है कि कितना लंबा समय हो गया है किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, लेकिन एक दो फसल आप धान की खेती की बात कर लीजिए या गेहूं की खेती की बात कर लीजिए, यही फसलें जो है वो ज्यादा बिकती है लेकिन उसका तो चलिए मिल पा रहा है, लेकिन जो बाकी फसलें हैं उसको लेकर अगर किसान की सुनवाई नहीं होगी तो किसान अपना घर किस तरह से चलाएगा। इसलिए बार बार किसान जो वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनकी बातों को सुना जाए, उनको पढ़ा जाए कि आखिर किस दौर से गुजर रहा है किसान। उन्होंने कहा कि 2022 तक जो सपना देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कि आय दुगनी होगी, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो आय दुगनी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से चलता रहा हम आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, भारत सरकार को हम सचेत करेंगे। उसी के चलते एक मेमोरेंडम जो वो डीसी के जरिए जो वो भारत सरकार को सौंपा गया है। उम्मीद है कि जिस तरह से अब अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो भी किसानों के समर्थन में आना शुरू हुए हैं, जम्मू सूबे में भी ये हुंकार अब किसानों द्वारा भरी गई है, तो अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इनका हल निकल पाता है, क्योंकि किसान अन्नदाता लगातार सड़कों पर है और अब भारतीय किसान संघ के जो सदस्य हैं वो भी हमारे देश के अन्नदाताओं के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जो उक्त मोल है लागत का वो किसानों को मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाले अलग अलग संस्थाएं जो है वो भी अब किसान आंदोलन के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जाहिर तरीके से किसान पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो अन्नदाता है, हर किसी का घर जो है वो चलाने वाला है, लेकिन अगर सरकार उस पर ही गौर नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत जरूरी यहां उठाना ये है कि किसानों की आवाज को सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे सांबा से, जो बता रहे हैं कि भारतीय किसान संघ भी अब यहां धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है क्योंकि किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है और उसी को अपना समर्थन देते हुए यहां पर भारतीय किसान संघ जो है वो भी अब आप देखिए सड़कों पर उतरता हुआ नजर आया क्योंकि ज्ञापन सौंपा गया है डीसी को और उसके बाद आगे की क्या कुछ कार्यवाही रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ जाएंगे, मौजूदा समय में अफगानिस्तान की शांति में आग लगाने वाली तालिबानियों और उनकी सोच की जहां विश्व भर में निंदा हो रही है तो वहीं हमारे देश में भी तालिबानी सोच रखने वालों की कोई कमी नहीं है। बात करें अगर जम्मू की तो यहां पर भी तालिबानी विचारधारा का जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है और जम्मू में कुछ तत्वों को केंद्र सरकार की नीतियों
की तरफ से अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की नीतियां फूटी आंख नहीं सुहा रही है। खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं और शहर में कुछ जगहों पर लगे हुए प्रधानमंत्री के पोस्टरों को इन तत्वों ने यहां फाड़ दिया है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अब तक के दूसरे कार्यकाल में हमारे देश ने किन ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे तत्व इससे वाकिफ नहीं है और हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किसकी करतूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों की क्या दुश्मनी है और जम्मू शहर के सभ्य समाज ने ऐसे लोगों की इस घिनौनी हरकत की कड़ी निंदा करते हुए इनकी निशानदेही कर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत पर भी बल दिया। देखिए, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, त्रिकुटा नगर में बीजेपी का ऑफिस है, बीजेपी के लोग आते जाते हैं, तो उसी इलाके में सबसे मैंने कल रात को देखा, फिर सुबह उठ के देखा कि कौन लोग हैं ये जो प्रधानमंत्री की आंखें निकाल रहे हैं, उनके चेहरे पर इतना इतना काटा हुआ, ये बड़े गलत बात है। कोई ऐसा संदेश इससे लग रहा है, कोई ऐसी बात ना हो जाए जम्मू में, ऐसे कोई साजिश ना हो जाए। तो गांधीनगर के पास ग्रेटर क्लाश में भी है, ये रेलवे में भी ऐसा हुआ है और त्रिकुटा नगर में भी 2-3 पोस्टर हमने देखे हैं। तो बड़ा हमें दुख हुआ है इस चीज़ का कि इसके मैं पुलिस जो हमारा जम्मू का प्रशासन है इससे भी खास तौर पे कहना चाहता हूँ, इसका चेक होना चाहिए कि किन लोगों ने ये काम किया है और ख़ास करके जम्मू के आईजी डीआईजी जो बड़े बड़े हैं इनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका कैमरे चेक करने चाहिए, कौन लोग हैं ऐसे जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं और इनको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए जो मोदी साहब को ऐसे देशभक्त को तंग कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। पता चला है, देखा हम लोगों ने त्रिकुटा नगर ग्रेटर क्लास सैनिक कॉलोनी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का जो फोटो से उन्होंने ये चीज़ें किया, ये तो बड़ी शर्म वाली बात है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और चाहे किसी भी हालत जैसा भी हो जो लीडर है वो अपने दम पर अपनी पार्टी से आए हुए हैं और ये जो अच्छी हरकत है हमें नहीं करनी चाहिए। मैं ये आपके गुलिस्तान चैनल से ये एक अनुरोध करूँगा, आपके माध्यम से बताऊँगा उन सब लोगों को जो ये कायराना हरकत करते हैं, उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अपने दम पर सामने आओ, उससे मुकाबला करो, पर ये चीज़ें नहीं कर जाओ। प्रशासन से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो इन लोगों पर ऐसी बात कर, वो कैमरे के थ्रू कहीं पर वाच करें, उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि देश की छवि खराब होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव आती है, आज वो आएंगे कल और भी कोई आएंगे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए विभाग ने जहां नए वार्डों का निर्माण किया है तो वहीं जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 1143 नई भर्तियां कर स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है और इनमें 60 डॉक्टर भी शामिल हैं। पिछले एक साल में हमारे यहाँ कोई 60 डॉक्टर्स, जिसमें इंक्लूडेड है डीआरडीओ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट SO 364 में, कुछ फैकल्टी मेंबर्स में पीएससी ने परमानेंट रिक्रूट किए हैं, कुछ एकेडमिक अरेंजमेंट पे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास मेंबर्स जो है ऐड हुए हैं। ऐसे ही नर्सेज हमारे पास 375 ऐड हुए और ऐसे ही हमारे पास क्लास 4 जो हैं, जब एक महामारी होती है तो हर वर्ग के हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एक मिली जुली टीम रहती है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, एनेस्थीजिया टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, सफाई क्लास 4 सफाई कर्मचारी, तो ये मिली जुली टीम जो है ये एक तरीके से काम करती है, तभी हमारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ आती हैं। तो ये सारी रिक्रूटमेंट हमें परमिट की गई थी और बहुत फास्ट की भी गई, तो ये 1143 टोटल रिक्रूटमेंट्स हुई और इन सबको जब न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ था तो इंडक्शन ट्रेनिंग्स देना ज़रूरी था जो, और फिर उसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज ज़रूरी थे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स की बहुत ज़रूरत थी। ये एक ऐसा तरीकाकार बनाया गया कि हमारी जो यहाँ की सीनियर फैकल्टी है, हमारी जो सीनियर नर्सिस हैं, सब ने मिलजुल कर ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ट्रेनिंग्स का ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, रुका नहीं है। टेरिटरी के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही डीआरडीओ का नया स्टाफ हमारे मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए आ रहा है,
हमारी सीनियर फैकल्टी यहाँ से वहाँ जाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रही है। तो ये टू एंड फ्रो जो स्टाफ की ट्रेनिंग का सिलसिला है ये लगातार बना हुआ है, ताकि अगर कोई ऐसे हालात या कोई ऐसी चुनौती जैसे कि हम पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं फिर कभी बन जाए तो हमारी तैयारियों में कमी ना। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है और इसके साथ ही ये आदेश दिया है कि जिन बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है उन्हीं बच्चों को स्कूल आने की इजाजत दी जाए। वहीं स्कूलों के खुलने के बाद भी बच्चे स्कूलों में नजर नहीं आ रहे हैं और कटरा हायर सेकेंडरी स्कूल में यहां प्रिंसिपल नरेंद्र शर्मा के मुताबिक इस स्कूल में कोई भी छात्र नहीं पहुंच पाया है। इससे यही लगता है कि किसी भी बच्चे को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस के लिए आज की डेट में कोई भी बच्चा यहाँ पे ना 10th का आया ना 11th का ना उसकी वजह मेन रीज़न ये है कि वैक्सीनेटेड मैंने कल लेटर बनाया हुआ था एक और वो डाल दिया था बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे टीचर्स के चल रहे हैं उसमें डाल दिया था जो वैक्सीनेटेड बच्चे थे और वो सारे कल का दिन अपने पेरेंट्स से कंसेंट सर्टिफिकेट लेके जहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन उसका सबसे मेन रीज़न मुझे यही लग रहा है कि कोई भी बच्चा अभी डबल डोज वैक्सीनेशन की तरफ से भी यही मैसेज आया कि कंप्लीट वैक्सीनेशन मींस डबल डोज तो जब तक वो पॉसिबल नहीं होता तब तक बच्चे यहाँ पे अलो ना करें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।